हे आई एम डॉक्टर अमित गुप्ता अगेन। मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ आज, ये आप लोगों की डिमांड पे लेके आए। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब के चैनल पे कि सर आपने बहुत सारे फेस वॉश के बारे में बताया है, चारकोल वाले फेस वॉश के बारे में बताया है, बट एक जेंटल बीस्ट का जो फेस वॉश आया है मार्केट में चारकोल वाला, उसके ऊपर रिव्यू नहीं किया अभी तक। और उसके अंदर लोगों को कन्फ्यूजन था कि चारकोल है या नहीं है और कैसे रिजल्ट देता है, उसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए और किनको लगाना चाहिए। तो मैंने कहा ओके, अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की डिमांड के ऊपर बनाऊंगा, जिसमें आपको डाउट रहेगा वो प्रोडक्ट मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं उसको मार्केट से लूंगा और उसके ऊपर रिव्यू दूंगा कि वो कितना जेन्युइन है प्रोडक्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा जेंटल बीस्ट का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश के बारे में। हम आज देखेंगे इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है कि भी नहीं है, या सिर्फ कंपनी ने लिख दिया एक्टिवेटेड चारकोल। तो गाइस, ये है जेंटल बीस्ट, नाम बहुत बढ़िया है, जेंटल बीस्ट कंपनी का नाम है। जेंटल बीस्ट, जेंटल आपकी स्किन के लिए और बीस्ट आपकी स्किन के अंदर पॉल्यूडेंट्स के लिए, जो डस्ट पार्टिकल्स फंस जाते हैं आपकी स्किन में, जो आपके माइक्रोब बैक्टीरिया होते हैं स्किन के अंदर, उसके लिए एज अ बीस्ट काम करेगा और आपकी स्किन के लिए रहेगा जेंटल। इसलिए कंपनी का नाम है जेंटल बीस्ट। वाह, क्या नाम दिया मैंने, कि मतलब नाम मैंने नहीं दिया बट यस, इस नाम को मैंने एलैबोरेट करा है। तो कंपनी वालों, अगर आप ये सुन रहे हो तो थैंक यू बोलना मेरे को। तो गाइस, ये है एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। एक्टिवेटेड चारकोल होता क्या है, पहली बात, फेस वॉश में क्यों डाला जाता है? तो एक्टिवेटेड चारकोल हमारी स्किन के अंदर जो पोर्स में जो बैक्टीरिया होते हैं और जो डस्ट फंस जाती है उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। जब आप एक इतना फेस वॉश आप उसको यूज़ करते हैं तो वो एक एब्जॉर्बिंग उसकी प्रॉपर्टी होती है, वो एब्जॉर्ब करके वहाँ से डस्ट को और डस्ट पार्टिकल को, इन सबको बाहर निकाल देता है। तो ये आपकी स्किन में ऑयल है उसको भी, ऑयल सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, आपके वहाँ से गंदगी को बाहर निकाल देगा, ये बहुत सी चीज़ में काम करता है। आपके जो ग्लिमिश है, आपके वहाँ पे दाग धब्बे आ रहे हैं उसको भी कम कंट्रोल करने में काम करेगा। अगर आपको बाहर जा रहे हो आपकी स्किन में टैनिंग आ रही है तो ये टैनिंग को भी कंट्रोल करेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप उसको लगाएंगे टैनिंग खत्म हो जाएगी, बट ये आपके उसको टैनिंग को भी कंट्रोल कर देगा। इसके अंदर एलोवेरा है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, एक्टिवेटेड चारकोल है जो डस्ट को और पार्टिकल को सबको बाहर निकालने में काम करेगा। या आपकी स्किन में अगर इचिंग हो रही है, इचिंग की दिक्कत है तो उसको भी कंट्रोल करेगा, और ये आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स को भी नहीं होने देगा, जो सबसे कॉमन चीज़ है। जैसे जैसे हमारी इचिंग होती ना तो हमारी स्किन के पोर्स डायलेट होना चालू हो जाते हैं, और डायलेट होते हैं तो वहाँ पे जो छेद डायलेट हो गए तो वहाँ पे गंदगी बहुत जल्दी फंसती है, जिसके कारण ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, जो ब्लैक हेड्स बाद में जाके एक्ने कॉज करते हैं। और आपको देखना, बहुत सारे लोगों के चेहरे में स्किन में ब्लैक 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 दिखता है, जिसके कारण उनकी डलनेस चेहरे में ज़्यादा डल दिखता है क्योंकि गंदगी फंसी होती है। तो जब आप क्लीन करते हो, आपके फेस को क्लीन कर देते हो तो वहाँ से गंदगी को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव होने के बाद वहाँ पे आपके चेहरे में एक अलग ही चमक दिखती है। तो अच्छा फेस वॉश यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग शाइनिंग इफेक्ट देगा और गंदगी को फटाफट निकाल देगा। और जब गंदगी स्किन के पोर्स से निकल जाएगी तो आपकी स्किन ब्रीथ ज्यादा अच्छे से कर पाएगी, और ज्यादा अच्छे से अगर ब्रीथ कर पा रही तो स्किन के सेल के जो स्किन सेल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और हेल्दी रहेंगे। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है कि नहीं। मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा छोटा सा, मेरे पास स्किन क्लिनिक पे लेजर रखी है पीछे बहुत सारी, तो वो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, मैं क्यों से लेजर यूज करूंगा जो कि चारकोल को बस्ट ब्लास्ट कर देती है। सबसे अच्छी बात है कंपनी का क्लेम किया है कि इसके अंदर पैराबेन नहीं है, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है, और उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। लाइक ब्लैक अगर ये है तो ब्लैक नेचुरल एक्टिवेटेड चारकोल कारण ब्लैक है, इसके अंदर कोई कलर डालकर इसको काला नहीं किया गया। तो इसकी MRP है 399, जो कि बहुत सारे डिस्काउंट मिलते रहते हैं, तो आप जाके मार्केट में देख लीजिए, इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो उससे पहले हम इसको करेंगे एक टेस्ट, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कितना परसेंट, मतलब परसेंट तो नहीं चेक कर पाएंगे, बट यस एक्टिवेटेड चारकोल है या नहीं, और आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे यूज़ करना चाहिए, मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग साथ में। ओके, तो गाइस, दिस इज पीको लेज़र, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये है एक्टिवेटेड चारकोल जेंटल बीस्ट का। हम देखेंगे इसके अंदर चारकोल कितने परसेंट है। तो अंदर से ये है, तो ये जो लेज़र है ये बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, वेस्कुलर पिगमेंट हटाने के लिए, बर्थ मार्क है किसी को वो हटाने में, बॉडी टैटू, आईब्रो टैटू, स्किन रिजुवेनेशन, बहुत सारी चीज़ों में काम करता है। ये पिगमेंट को ब्रेक करती है, तो मैं जस्ट एक बॉडी टैटू को लेके चलता हूँ कि ये पिगमेंट को हमें ब्रेक करना था, हम वो बस वो चेक कर रहे हैं। तो मैं भी निकालूंगा आपके सामने से एक्टिवेटेड चारकोल का फेस वॉश, लेता हूँ थोड़ा सा, लेता हूँ ये और इसको फैला लेता हूँ, खुशबू तो ठीक है, अच्छी सी खुशबू है, प्यारी सी, बट हमारा मेन एम है अभी
पिगमेंट ये ब्रेक कर रही है या नहीं। किसी तरह तो ये लेजर हेड है जिसमें से लेजर बीम निकलेगी और हम देखते हैं। ओके तो मैं उसको शॉर्ट मारूंगा, थोड़ा सुखा लेता हूँ। ओके तो आप देखेंगे कि ये जो चारकोल के पार्टिकल्स हैं उस पर प्रॉपर ब्रेक कर रही है, दैट मीन्स के अंदर जो ब्लैक कलर है वो एक्टिवेटेड चारकोल का ही है। बहुत सारी कंपनी के फेस वॉश आते हैं जिसके अंदर लिखा होता है एक्टिवेटेड चारकोल, बट उसके अंदर होता नहीं है, वो जस्ट कलर डाल देते हैं बिकॉज एक्टिवेटेड चारकोल थोड़ा कॉस्टली आता है, तो सिर्फ कंपनी मार्केटिंग के लिए उसको दिखाती हैं बट उसके अंदर होता नहीं है, तो कलर रंग डाल के उसको दिखा देती कि चारकोल है, बट एक्चुअल में अगर चारकोल नहीं है तो उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा जिस चीज़ पर हम लोग लगा रहे हैं। तो गाइज आप देखोगे यहाँ से पूरा ये ब्लैक ब्लैक जो था वो खत्म हो गया क्योंकि इस लेजर ने उसको बस्ट कर दिया है। आप देखो इस तरीके से इसको बस्ट कर रहा है। तो इस लेजर की खासियत है ये कलर पिगमेंट को ब्रेक कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, बस्ट कर देती है। तो चेहरे में अगर हमें गोरापन चाहिए, स्किन वाइटनिंग चाहिए, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देखोगे पूरा इस एरिया से ये हट चुका है। अब मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया लेज़र, क्योंकि लेज़र शॉट था वेरी कॉस्टली, तो एक जैसे एक्सपेरिमेंट लिए मैंने ये पीको लेज़र यूज़ किया। देखा किस तरीके से लेज़र से मैंने वो पिगमेंट पूरे ब्रेक हो गए हैं, एक्टिवेटेड चारकोल पूरा ब्रेक हो गया है थ्रू लेज़र। तो गाइज दैट मीन्स जेंटल बीस्ट विच इज़ जेंटल फॉर योर स्किन एंड बीस्ट फॉर दोज पॉल्यूटेंट्स, ये सच में रिजल्ट दे रहा है, मतलब इसके अंदर एक्चुअली एक्टिवेटेड चारकोल है। तो गाइज एक बात तो कंफर्म होगी, इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, जो कंपनी क्लेम कर रही है कि इनके फेस वॉश में एक्टिवेटेड चारकोल है, तो ये कंफर्म है कि इसके अंदर है। दूसरी बात, इसके अंदर एलोवेरा है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं लगा सकते हम लोग तो, बट यस अब जब कंपनी इतना महंगा प्रोडक्ट इसके अंदर डाल रही है लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, तो इसके अंदर एलोवेरा डाल ही होगा और भी जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी इसके अंदर होंगे ही। तो गाइज आप इसको, इसके अंदर क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है, नीम एक्सट्रैक्ट है। देखो नीम क्या करता है, बेसिकली जो ये चीज़ है मैं आपको बता दूँ, ये हमारे स्किन में जो एक्ने प्रोन स्किन होती है, ये जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। तो इसके अंदर एक नीम एक्सट्रैक्ट है विच इज़ अगेन एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल, जो आपके बैक्टीरिया पी एक्ने बैक्टीरिया को मार देगी। क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन को हेल्दी और मॉइस्चराइज करके रखेगी। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है अगेन वो आपकी स्किन को हेल्दी मॉइस्चराइज करके रखेगी। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है विच इज़ अगेन एंटी ऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी। एक्टिवेट चारकोल तो आपको बता ही दिया मैंने, और बहुत कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी और जो फार्मेसी वालों को समझ अच्छे समझ में आएगी, तो मतलब नहीं है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स के जो है क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एक्टिवेटेड चारकोल एंड नीम एक्सट्रैक्ट, जो कि ओवरऑल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगी, आपको एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगी, आपकी टैनिंग को भी हटाएगी, आपके स्किन के पोर्स को टाइट कर देगी, गंदगी को बाहर निकाल देगी और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगी। बहुत कुछ बता दिया मैंने इसके बारे में। तो कंपनी ये जेंटल बीस्ट का एक्टिवेटेड चारकोल प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हो और मुझे यूज़ करने के बाद बताइएगा कि आपकी स्किन का जो ऑयल सेपरेशन कितने परसेंट कम हुआ, आपके बैक्टीरिया एक्ने के बैक्टीरिया कम, मतलब एक्ने कम हुए कि नहीं हुए और गंदगी निकली कि नहीं निकली। तो गाइज किसी और कंपनी का चारकोल फेस वॉश यूज़ करने से अच्छा है जेंटल बीस्ट का चारकोल फेस वॉश यूज़ करो, जो कि प्रूवन है, आज मैंने प्रूव करके दिया है। तो गाइज बाकी और भी आपको लगता है कि किसी कंपनी का आपको डाउट है तो आप मुझे भेजिएगा, मैं उसको भी टेस्ट करके बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या असली चीज़ें हैं या नहीं है। लाइक मैं विटामिन सी के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने प्रूव किया कि कहीं में मेरा विटामिन सी मिला किसी में नहीं मिला। तो विटामिन सी सीरम जो होते हैं, तो खराब प्रोडक्ट यूज़ करना तो अच्छा है कि अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें जो एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इसकी प्राइस है 399, मैं लिंक डाल दूंगा, जाके कहीं से भी परचेस कर सकते हो, जेंटल बीस की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो, आपको हर जगह मिल जाएगा। बहुत अच्छी कंपनी है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश जरूर करूँगा वहाँ पे। बाय।